अच्छा। गीतकार शैलेंद्र की यादों के पन्ने पलटते हुए हमारे साथ हैं उनके पुत्र दिनेश शंकर। शैलेंद्र जी की लेखनी का तो कोई जवाब नहीं, सचमुच कमाल का लेखन था उनका। और किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया और सभी को संतुष्ट भी किया उन्होंने, और म्यूजिक डायरेक्टर को ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर को, और यहां तक कि जो फिल्म देखने वाले दर्शक श्रोता उन सभी को संतुष्ट किया शैलेंद्र जी ने। और सचिन दा जी, सचिन देव बर्मन साहब, उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी जोड़ी जमी। कई फिल्में, बेहतरीन फिल्में जैसे कि काला बाजार, गाइड जैसी फिल्में इन दोनों ने दी, और सचिन दा के साथ जो काम किया उन्होंने उसके बारे में बहुत सी बातें बातों बातों में पता चली थी कि आपको बहुत सारे किस्से हैं उनसे जुड़े हुए, तो कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। सचिन देव बर्मन के गुस्से का सभी को पता है कि कितना गुस्से वाले आदमी हुआ करते थे। अपने काम में बिल्कुल डिस्टर्बेंस, बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह का पसंद नहीं था, लेकिन बाबा को बहुत ज्यादा वो पसंद भी करते थे और बाबा की इज्जत भी करते थे। काला बाजार के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पंचम दा ने एक रेडियो प्रोग्राम में सुनाई थी, तो वहां से हमें पता चली कि एक गाना था जो बाबा लिख नहीं पा रहे थे। अच्छा। हाँ, एल डी बर्मन जी बना ली थी टीम, और म्यूजिक स्टूडियो भी बुक कर लिया गया। हाँ। लेकिन बाबा वो गाना तैयार नहीं हो पा रहा था, तो वो कुछ हो नहीं रहा था, तो एस डी बर्मन के से मिलने गए थे बाबा। तो उन्होंने बोला दो तीन दिन लगेंगे, तो बोला नहीं नहीं नहीं, अभी दो तीन दिन की बात नहीं है, तुम एक काम करो, अपने बेटे को बुलाया पंचम, तुम ये शैलेंद्र के साथ जाओ और जब तक गाना ये देगा नहीं तब तक वापस आना नहीं। तो बाबा ने पंचम दा को गाड़ी में बैठाया और बोले कि चलो अब जब तक गाना देंगे नहीं तब तक तुम वो घर नहीं जा सकते, अब क्या करें। तो पहले तो गए वो शंकर जयकिशन के म्यूजिक रूम में, उनके साथ कुछ काम था। तो जयकिशन जी ने जैसे ही पंचम जी को देखा तो उनको बोलो पूछा कि क्या ट्यून चुराने आए हो क्या? तो बोले नहीं ऐसा ऐसा हुआ है। बोले अरे तब हम लोग का गाना पहले कम्प्लीट होगा, पहले हम लोगों का काम करने दो, फिर तुम्हारा काम करेंगे। अच्छा। तो उधर उनके साथ जो भी सिटिंग हुई बाबा की वो हो गई, फिर पंचम दा को उनके उन्होंने गाड़ी में बैठाया, वो ले गए नेशनल पार्क, आरएमएल कॉलोनी। अच्छा। सब तरफ घूमे, कुछ बात नहीं बन रही थी। फिर फाइनली पंचम दा ने जो बताया है कि रात हो गई और रात के वक्त वो जुहू बीच पर पहुंचे। अच्छा। और जुहू बीच पे बाबा ने सिगरेट लगाई अपने मुंह से और फिर देखा कि माचिस नहीं, तो उन्होंने पंचम दा से बोला कि पंचम जरा माचिस देना। तो पंचम दा एक तो घबरा गया कि इनको पता है कि मैं सिगरेट पीता हूँ, अगर इन्होंने मेरे फादर को बता दिया तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा। तो खैर पंचम दा ने माचिस दी, बाबा ने सिगरेट जलाई और बोला कि जरा ट्यून सुनाओ, और पंचम दा ने उसी माचिस के डिब्बे पे वो रिदम देख के ट्यून सुनाई। बाबा ने चांद की तरफ देखा और समुन्द्र की तरफ देखते गए, जब तक सिगरेट खत्म हुई वो मुड़े और बोला पंचम शायद आज घर जा सकते हो। तो उन्होंने उस सिगरेट के अंदर पैकेट के अंदर जो पेपर रख उसके ऊपर उन्होंने लिख कर कुछ दिया। तो पंचम दा खुशी खुशी गए घर। तो बर्मन ने पूछा कि गाना मिल गया? बोला हाँ। मतलब कहाँ है? तो वो एक ऐसे कागज का टुकड़ा उन्होंने पकड़ा है, उस गाने के बोल थे खोया 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 खोया। शैलेंद्र जी, विमल दा और सलील जी, जी इनकी एक टीम बनी और बड़े खूबसूरत गाने बने जी। इसी तरह से एक टीम बन गई शैलेंद्र जी, विजयानंद साहब और सचिन देव बर्मन जी की जी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। बिल्कुल। चाहे वो काला बाजार फिल्म रही हो या गाय फिल्म रही हो जी, सचिन दा के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में आई। काला बाजार तो थी ही जी, और इसके अलावा अभी हम गाइड की बात भी करेंगे जी। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं एक और फिल्म की, और वो फिल्म विमल दा की थी जी। विमल दा, शैलेंद्र जी और सचिन देव बर्मन जी की जो टीम जी, उस टीम ने जो एक फिल्म दी, बड़ी ही बेमिसाल फिल्म थी वो, हम उसका जिक्र आपसे ही सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। आई थिंक एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ हमको यही लगता है कि विमल रॉय एज अ डायरेक्टर उन्होंने अपना पीक किया था बंदिनी फिल्म में जी। बिल्कुल, बिल्कुल। नूतन एज एन एक्ट्रेस ने अपना पीक किया था बंदिनी में जी। और आप बंदिनी शुरू से आखिर तक देख लीजिए, एस डी बर्मन की इतनी खूबसूरत म्यूजिक,
बाबा के इतने खूबसूरत गाने अल्फाज उनके, जी जी जी। और आप कभी सोच सकते हैं कि किसी इतने बड़े डायरेक्टर ने लास्ट 7 या 8 मिनट जो उनकी फिल्म का क्लाइमैक्स है और एंड है जी, वो उन्होंने अपने म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट के ऊपर छोड़ दिया है। अच्छा, कि अच्छा, ये फिल्म यहाँ खत्म होनी है। हाँ, हाँ, और आप लोगों को अपने हिसाब से खत्म करनी है। और आप देखिए बंदिनी का वो एक गाना जो एसडी बर्मन साहब ने खुद ही गाया है, मेरे साजन, मेरे साजन है उस बार, जिसपे फिल्म खत्म होती है। और उसमें जो जिस तरह का डायरेक्शन है बिमल रॉय ने, जो साउंड इफेक्ट्स, जो ट्रेन की विसिल, जो स्टीमर का हॉर्न और आवाजें, चीखना चिल्लाना इतने खूबसूरती के साथ यूज किया है। और वो गाना जब बजता है तो ऑडियंस जब उठती है अपनी सीट से तो रोते हुए उठती है, क्योंकि तब तक ऑडियंस को पता नहीं रहता है कि ये नूतन किस तरफ जाने वाली है। जी, जी, जी। और बहुत ही खूबसूरत वो फिल्म बनी थी। तो बंदिनी फिल्म का वही गाना सुनते हैं जो क्लाइमेक्स वाला गाना, बिल्कुल, और सचिन दा ने गाया। बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ शैलेंद्र जी ने काम किया जी, और अमिया चक्रवर्ती जी जी, उनकी फिल्म दाग जी और उसके गाने कितने मशहूर गाने हुए, और शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक। देखिए सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि अमिया चक्रवर्ती बहुत ही अंडररेटेड डायरेक्टर हम समझते हैं, कि जो उनको पोजीशन मिलनी चाहिए थी फिल्म इंडस्ट्री में वो कभी मिली नहीं। दाग, पतिता, सीमा ऐसी फिल्म जो खुद लिखते भी थे और खुद डायरेक्ट भी करते, लेकिन सारी फिल्में बड़ी कामयाब फिल्में, बिल्कुल। और म्यूजिक का उनका जो सिलेक्शन था वो इतना खूबसूरत हुआ करता था जी, जी, कि इसका कोई जवाब नहीं। और दाग फिल्म की बात आपने की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो दत्ताराम जी से कुछ एक वाक्य सुनने को मिला जी, कि शंकर जयकिशन ने बाबा को बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि एक बहुत ही अर्जेंटली गाना लिखना है। तो बाबा ने प्रोटेस्ट किया कि अर्जेंट क्या होता है, मतलब टाइम लगता है गाना लिखने में, ऐसे सोच समझ के लिखना पड़ता है। तो बोले नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा जरूरी है और अर्जेंट है, तो तुम एक काम करो, अब टेप रिकॉर्डर तो हुआ करते नहीं थे, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट दत्ताराम जी, जो खुद भी आगे जाके काफी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर बने, दत्ताराम जी को उन्होंने बोला कि दत्तू तुम जाओ इनके साथ, इनको ट्यून सुनाते रहना, ये गाना लिख देंगे। तो बाबा दत्ताराम जी के साथ हैंगिंग गार्डन चले गए और वहां पेड़ों के नीचे बैठ के दत्ताराम जी ट्यून सुना रहे थे। फिर जब फाइनली कुछ दिमाग में आया थॉट, तो बाबा ने अपने किताब निकाली और कलम चलाने लगे तो पता चला कि पेन में इंक नहीं थी। अरे अब हाँ, हैंगिंग गार्डन के बीचों बीच फंस गए, थॉट आ गया है दिमाग में कैसे लिखें। तो दत्ताराम जी ने बताया कि वो जली हुई माचिस की तीलियां और सिगरेट के बट्स, उनकी राख से एक गाना लिखा गया, ए मेरे दिल कहीं और चला, गम की दुनिया से दिल भर गया।